हेलो स्टूडेंट्स लोग स्टार्ट करने वाले तो आप अभी नवंबर ऑनवर्ड्स मैं स्क्रैच से सब कुछ कराऊंगी चाहे मेकबेथ हो रेपी के फाइव चैप्टर्स हो प्रिज्म के हो फाइव चैप्टर से वटेवर दोनों chapter, poems, सब कुछ हम लोग डिटेल में करने वाले हैं ठीक है अलोंग विद ग्रामर का हर एक रूल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का हर एक रूल मल्टीपल लाइक फाइव हंड्रेड थाउजेंड सेंटेंसेज पास में आए हुआ है पटंगा भी आपका लिया जाएगा बेस्ड हो तो आप ऑफलाइन कर सकते हो हमारा टू फंशन सेंकुल अगर आप नहीं यू नो काटा की लाइक uh, में नहीं रहते हो या नियर बाय नहीं रहते हो हमारे तो आप ऑनलाइन क्लास भी अवेल कर सकते हो यहाँ पर हर चीज बहुत ही इन डेप्थ आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड उसके अलावा पर्सनली मैं आपको ऑनलाइन आके यू नो कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो मैं ऑनलाइन में या बाई वीक लेती हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियरिफाई किया जाएगा ठीक है ऐसे लिखते कैसे हैं ऐसे में क्या कोर्स होने चाहिए प्रपोज एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट फ्रॉम स्क्रैच स्क्रैच ठीक है सो लेट एस स्टार्ट थोड़ा इंट्रो चार्ट्स पढ़ लेते ताकि वह पूरे टेंशन में काफी हेल्प करेगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ना ठीक है अकेले में जब कोई भी नहीं है एंड वो बात कर अपने आप से सिर्फ ऑडियंस उसको सुन सकती है एंड उस वक्त वो जो बात करता है बाय द वे शेक्सपियर में जितना भी सॉलोकी है लाइक like, बैंको uh, का है मिगबेद का है लेडी मेकबेद का है जो मेन मेन कैरेक्टर्स है ऑलवेज सोलोकी जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए नॉर्मल कोई भी एग्जाम्स के लिए स्कूल में जो हाई फेड एग्जाम्स वगैरह भी होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो जितना भी सोलोकी है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ना उसे कोर्ट्स करना अपने आंसर में जब करते हो यू नो डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड्स में ठीक है सो लेट ए स्टार्ट बैंकों की जो सोलोकी है उसमें क्या होगा ये होता है आपके मैकबेथ के कासल में ये पूरा सोयलोकी आपके मैकबेथ के कासल में होगा जो फॉरेस्ट में है आफ्टर ही बिकम्स जब वो राजा बन जाता है उसके बाद की बात है बैंक को सोच रहा है प्रोफेसिज के बारे में ठीक है जो विचे ने प्रोफेसिस की थी रिगार्डिंग मिगबे एंड बैंको वेल तो वो अपने बारे में सोच रहा है कि जो Macbeth के लिए हुई थी वो तो ट्रू हो रही है एंड हुई भी है सो so, क्या होगा अगर वो मेरे मेरे बारे मेरे बारे में में मतलब बैंको के डिसेंडेंट्स किंग बनेंगे बैंको का जो लेगेसी होगा बैंको के जो बच्चे होंगे वो लोग किंग्स बनेंगे तो सोच सोचो क्या मेरे डिसेंडेंट्स किंग्स बनेंगे वो सोच रहे प्रोफेसी क्या था कि मेहबेथ एस किंग बट बैंको डिसेंडेंट्स विल इनहेरिट द थ्रोन

ठीक है इस तरीके से उन्होंने बैंकों के प्रति मर्डर्स के मन में मन में भी हेटेड पैदा कर लिया था मैकबेथ गिव्स फाइनल मैकबेथ फाइनल इंस्ट्रक्शन देता है ऑन टाइम एंड प्लेस ऑफ द मर्डर हिस्स मॉरल डिक्लाइन इज एविडेंट शोइंग मॉरल डिक्लाइन आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ भी बचा ही नहीं है एथिक्स मॉरल क्या होता है उसे पता ही नहीं है वे हीज मैनिपुलेटिंग पीपल फॉर इज ओन होता है एक लाइन ही नहीं है कोई बाउंड्री नहीं है कि कितना तक वो स्टूप डाउन कर सकता है, ठीक है

होप होपफुल रहता है ठीक है बट इजीनिंग जो डाउट है के ऊपर उसकी वजह से उसे लग रहा है कि वो ऐसा अगर जो चीजें अभी हो रही है अगर, रही है, अगर से का फुल पे इन्वॉल्व है तो ये अंडरस्टूड कि नेक्स्ट टारगेट वो उसका बेटा ही हो सकता है बाउंड बाय द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स थ्योरी बिलीविंग फ्यूचर तो इसे ये चीज पता है

तो मेकबेद को तो ऐसे भी सोचना चाहिए कि उसके खुद के बच्चे हैं ही नहीं ठीक है सो so, वो किंग प्रैक्टिकली नहीं बन सकते हैं तो अगर वो किसी के लिए लड़ रहा है तो वो खुद के लिए लड़ रहा है और कुछ सालों से मिलेगा वो पोजीशन और जो कि अभी भी पोजिशन बना हुआ है वो काफी रिस्पेक्टेबल एंड पीपल रिस्पेक्ट हिम तो इज्जत की जिंदगी वो आराम से जी सकता है विद ऑनर एंड करेज ठीक है बट स्टिल ही चोज टू डू डूल थिंग्स एंड वो सिर्फ सब कुछ मिलकर भी अल्टीमेटली डूइंग इट फॉर डिसेंडेंट्स अल्टीमेटली वो वही कर रहा है जो फेट में लिखा है अगर आप देखो तो इसे बहुत गौर से अगर आप समझो तो इस बात को नेक्स्ट है ईविल एज डिस्ट्रक्टिव ठीक है मैगबेट का जो इनफर्टिलिटी है वो दिखा रहा है बैंकों के फर्टिलिटी से हिज सीड विल बिकम किंग्स उसके बच्चे किंग बनेंगे बैंको अर्ली रेफर टू हिमसेल्फ एज अ रूट एंड एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स सिंबलाइजिंग क्रिएटिविटी लाइफ ठीक है द ऑपोजिशन बिटवीन स्टेरल मेकबेद एंड फर्टाइल बैंको इज अ सेंट्रल थीम इन द प्ले बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि मैगबे के कोई बच्चे नहीं है बैंको के बच्चे हैं बैंको के बच्चा है

प्रैक्टिकली सोचता था बट अब उसके मैनिकलेशन गरीकेट कर आपके संग जो भी हो बैंको ने किया था पास्ट में तो आपका दुश्मन है बैंको क्योंकि जब वो ऐसा चीज मन में डाल दिया आपका दुश्मन है बैंको they will make sure that they kill Banko and they don't come back empty-handed ठीक है changes tone tone change करके बात करता है rhetoric change कर rhetoric questions put करता है and promises to favor uh, or favor to persuade them ठीक है कि उन्हें help करेगा सब कुछ करेगा and सब कुछ उनपे डाल देता है सामने वाले पे डाल देता है हर चीज he rehearses his arguments about manhood motivating them to act violently one murderer expresses his recklessness in retaliation against the world ठीक है दोनों murderer आप देखोगे एक murderer काफी skeptical है पर एक murderer बस murderer बस चाहता है कि उसके okay,

किंगशिप आपके पॉसिबिलिटी आपके बच्चों के साथ या आपके फैमिली के साथ नहीं रहने वाला है बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स बल्कि मैं आगे आने वाले किंग्स का रूट एंड फादर रहूंगा आई विल बी द फादर ऑफ द किंग्स फ्यूचर किंग्स इफ देयर कम ट्रूथ फ्रॉम देम अगर उनकी सारी बातें सच हो रही है और अगर ये बात सच होती है जैसे तुम्हारे केस केस में केस में के हुई है एज देयर स्पीचेस शाइन तुम्हारे केस में सारी बातें सच हुई है उनकी ठीक है अगर वो सच बोलती है तो जो की तु, उसे उ, 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 तुम्हें उन्होंने ही है Why by the verities? ठीक है, verities वाले prophecies come true. Then maybe उनके जो prophecies हैं on the made good, may they not be my oracles as well and set me up in hope. तो बोला अगर तुम्हारे केस में इतनी true है उनकी prophecy, so maybe उनका prophecies मेरे बारे में भी true रहेगा. May then maybe, may they not be my oracles. मेरे लिए भी तो oracle हो सकते हैं. Oracle माने क्या? People through whom deities were uh, believed to speak. Oracles were commonly consulted in Greek Greco-Roman times and were famous for the ambiguity of their messages. So, तो,

लेडी में भी आती है, है साथ मेंस रॉस लॉर्ड लेडीजेंट्स ठीक है तो मेन गेस्ट है guest our कहा ना आपको इंटरव्यो में की वो ज्यादा इम्पोर्टेंस दे को एक इंस्टिंग आ गया कि पक्का कुछ फोल प्ले है और इतना एक्स्ट्रा मुझे क्यों अब पैम्पर किया जा रहा है तो देर इज समिंग यू नो समिंग फिशी इन इट ठीक है जो से एक सेमोनियल एक हमने सपर रखा है

बोल रहे है येस माई गुड लॉर्ड मैंने आपको एक और बात था वो टू आंसर देगा वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन खुद से रिवील नहीं करेगा जितना पूछा रहा, उतना ही दे रहा. Macbeth, अगर तुम होते यहाँ पे तो मुझे अगर आप होते तो मुझे आपकी एडवाइस चाहिए थी मुझे कुछ बातचीत करने थी आपसे मुझे कुछ एडवाइस चाहिए थी विच ऑलवेज है अच्छी रही है बहुत सही रही है हमेशा मेरे लिए

हम लोग कल कर बात करते हैं ठीक है क्या आपका राइड काफी दूर है Will you be far? बहुत दूर है क्या आपकी राइड so, बोल भी लोकेशन नहीं बता रहे बोला सर इतना दूर है कि मैं जाके वापस डिनर टाइम तक पहुंच जाऊंगा आई गो मतलब I'll at your, at time, जो आपने मुझे दिया है गो नॉट माई हॉर्स द बेटर

आर बेस्ट इन इंग्लैंड एंड इन आयरलैंड बोल रहे हमारे जो है, you can see, दोनों मैलकम एंड कॉपी में लिख लेना दोनों कहाँ चले गए इंग्लैंड एंड आयरलैंड ठीक है मैलकम आपका इंग्लैंड में है एंड जो डोनल बिन है वो आयरलैंड में है दोनों जान मुझे अलग अलग जगह ताकि एक को भी कुछ होगा क्योंकि तो किंग कि के सन से तो ऑफकोर्स योग अभी यू you नो know, एकदम हाईलाइटेड है, इन पे हो सकता है तो अगर एक को भी कुछ होगा तो अटली स्टिल देर साथ में नहीं जा सकते ठीक है नॉट कन्फेसिंग

अजीबों गरीब झूठ बोले जा रहे हैं ठीक है हर किसी को जो ये बात सुन रहा है मतलब कहने का मतलब है जान को कुछ बोल भी रहे होंगे ताकि कोई बिलीव ना करे लोग मान नहीं रहे उन्होंने अपने फा, फादर को मारा है एंड वो लोग कुछ भी स्टोरीज बत, बता रहे हैं ऐसे डाउट है कि वो लोग लो, तो बात नहीं इस बारे में कल डिस्कस करते हैं कुछ छोटे मोटे किंगडम की भी बातें करनी है कुछ डिस्कशंस करना है Us jointly, मेरा, तुम्हारा साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है हाई यू टू हॉर्स फटाफट से हॉर्स में हॉर्स uh, की तरफ जाओ अपने आ जाते हो ठीक जा है क्या तुम्हारे साथ ठीक है तो उसने पूछिए बेटा भी तुम्हारे साथ जा रहे तो बैंक को बोलता है यस जस्ट वन वर्ड ये इज नॉट रिविलिंग मच इन्फॉर्मेशन माई गुड लॉर्ड आवर टाइम डस्ट फॉलो अपन मैं निकलता हूँ उसमें टाइम हो गया

कुछ इवन होने वाला है इविन कब होता है जब गॉर्ड नहीं होते हैं साथ में ठीक है तो लाइंस में आप अगर मीनिंग ढूंढोगे तो आपको लाइंस में काफी इसकी बातों में ही आपको छुपे हुए मीनिंग्स मिल जाएंगे ठीक है हाँ हाँ? एक लाइन टू मेक तब तक के लिए सात बजे तक हमारा ताकि हम प्रिपरेशन कर पाए जो लाइन बोला था इसने सेवन ओ क्लॉक से हम पार्टी स्टार्ट करने वाले सेवन ओ क्लॉक सेवन ओ क्लॉक सेवन एक, एक दे रही मैं आपको सेवन इट इज तब तक, तक आ, के लिए हमें आ, हमारी पार्टी काफी इंजॉयबल हो तो तब तक, तक के लिए हमें अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मतलब अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे यू नो और हमारे पार्टी एंजॉयबल हो सके तक के लिए आपसे लीव लेते हैं सब निकल जाते हैं एक्सेप्ट मैकबेथ एंड सर्वेंट मैकबेथ और उसका एक सर्वेंट उसके साथ रहता है मैकबेथ बोल रहा है सिरा सिरा यूजुअली मैकबेथ सर्वेंट को बुलाने के लिए बोल रहे हैं अ वर्ड विद यू मुझे तुमसे कुछ बात करना है

to be दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये पांच मार्क का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस but to be safely thus मतलब राजा बनना सिर्फ कुछ नहीं है राजा बनना तो कुछ नहीं है बट राजा बने रहना सब कुछ है इस लाइन का मतलब यानी ये लाइन फॉर श्योर एग्जाम में आ सकता है और ये मेकबेक पूरा बात बोल रहा है मेकबे का बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है इसको डबल टिक कर लो हर एक पॉइंट कॉपी में लिख लो ठीक है टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस राजा बनना चल इज नथिंग राजा बने रहना इज एवरीथिंग ठीक है आवर फीय इन बैंको स्टिक डीप बैंको की बैंकों को लेके मुझे बहुत डर लग रहा है एंड इन नेचर है इतना मॉडस्ट है मुझे डर लग रहा है उसका जो नेचुरबिलिटी है इतना ऑनेस्ट रहने का अपने बारे में जो मेरे लिए एक थ्रेटनिंग चीज हो चुका है थ्रेट फॉर मी दिस मच ही डेयर ठीक है वो एक रिस्क टेकर है वो डेयरिंग है

अपने अनब्रिकेबल करेज के साथ साथ उसके अंदर वो विजडम भी है कि वो एक्ट करे बहुत ही केयर के साथ एंड सोच समझ के पहले से बहुत थॉट्स वगैरह को मन में रख के सोच समझ के प्री प्लानिंग करके वो कोई भी काम करे ठीक है नेक्स्ट देर इज नन बट ही आई डू फियर एंड अंडर माई जीनियस इज रिब्यूट एज इट इज सेड मार्क एंटनी वॉज माई सीजर तो वोडा इज दिविर डर लगता है

नेक्स्ट ठीक है अब ये बोल रहे जब विचेस ने पहली बार बोला था ठीक है कि मैं किंग बनूंगा एंड बेट दे ने बोला कि मैं किंग बनूंगा तो बैंकों ने उन्हें डाटा था ठीक है तो ये ये खुद को मैनिपुलेट घुमा के बोल रहे ऐसा हुआ नहीं था आपने इलेवंथ पे पढ़ा है इलेवन में जब विचेस ने से बताया था तो कि आप किंग बनोगे बैंको वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड बैंको ने बैंक वॉज न्यूट्रल कहने का मतलब, स्टोरीज बना रहे क्या होता है ना जब आप गलत होते हो ना तो आप जान मुझे पिक्चर में अच्छा साउंड करो ठीक है नेम ऑफ द किंग अपॉन मी एंड टू हिम वो उनको डांट रहे हैं वो सिस्टर्स को डांट रहे ठीक है डांट रहे मतलब उसने डांटा था बैंको डाटा था सिस्टर्स को जब सिस्टर्स ने मुझे किंग बोला था एंड उसने कहा था कि अब मेरे बारे में मुझे बताओ देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग तब उन्होंने उसे बताया कि आप फादर ऑफ किंग्स बनोगे ऐसा नहीं हुआ था बैंको ने बीच में नहीं बोला था यू टेल मी अबाउट माय फ्यूचर आल्सो ये सब छोड़ो और डाटा नहीं था कि तुमने मैकबे तो कैसे किंग बोला ही वाज नॉट एट ऑल बोलास क्लास 11 में आपने पढ़ा है ये कुकअप कर रही है पार्ट को अपॉन माय हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन फ्रूटलेस क्यों बोला बिकॉज जो क्राउन टिकेगा रहेगा रहेगा ही नहीं तो उसका क्या फायदा में? Which is, ने मुझे तलवार होता है जो मिलता है उनको तो है, मुझे एक बैलेंस नॉट बी है सन ऑफ माइडिंग बोला कि मैं इस को क्योंकि मैं इसको पास ऑन नहीं कर Why it is fruitless? Because I will not be विल नॉट pass it on to my

डाला तो uh, गया तो यहाँ पे इन द वेसल ऑफ माई पीस तो बोल रहा है की दिमाग में मेरे पीस के वेसल में मैंने पूरा जहर डाल दिया एंड नाउ आई एम आउट ऑफ माई माइंड मेरे को कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मैंने डिस्ट्रॉय पीस ऑफ माइंड फॉर दे इतना कुछ मैंने किया उसको मर्डर करके मैंने पीस ऑफ माइंड किया पॉइजन कर दिया अपने jewel, aapka सुकून आपका सोल होता है ना जो यहाँ पे इटर्नल ज्वेल एग्जाम में आएगा कॉमन एनिमी ऑफ मैन कॉमन एनिमी क्या इंसान का डेवलिश थॉट

तो कल हमने बातचीत की थी तो बोला यस yes, सर हमारे बातचीत हुई थी कल फर्स्ट मर्डर कंफर्म कर रहे हैं वेल देन नाउ हैव यू कंसीडर्ड ऑफ माय स्पीचेस तो ऑलरेडी उसने सारा प्लान बता दिया होगा कि आपने और उसको टाइम दिया होगा सोचने के लिए तो पूछ रहा है कि आपने कुछ सोचा उस बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था नो दैट इट वॉज ही पास्ट में इन प्रोफेशनल मर्डर कुछ हुआ होगा ठीक है इन, वो पकड़े गए होंगे कुछ हुआ होगा जिसमें बैंकों भी इन्वॉल्व था मैकबेथ भी मैकबेद बैंकों पर डाल रहे कि आपके साथ जो भी बुरा हुआ हुआ था आप आप समझ जाओ no, no समझो चीज को कि वो बैंको was he, बैंको, in the times past, मतलब पहले जो आपके साथ हुआ उसमें so जिसके कारण इतने गरीबी में हो आपका सब कुछ छिन गया दैट इज बिकॉज ऑफ आवर इनोसेंट है आपको लगा था मैंने किया पर मैंने नहीं मैं तो इनोसेंट तो हूँ मैंने कुछ नहीं किया था इसमें बैंको ने सब कुछ किया था ठीक है दिस आई मेड

और आप ऐसे दोगे ऐसे छोड़ दोगे उसे ठीक है आपको दिस गुड मैन की आप इसके लिए प्रे करोगे एंड फॉर इशू मान बच्चे इसके बच्चों के लिए वेलबींग प्रे करोगे आप इतने अच्छे हो कि आप इसके लिए प्रे करोगे दिस गुड मैन एंड दिस चिल्ड्रेन जब इसने बल्कि आपको एक ग्रेव जैसी सिचुएशन में आपको ग्रेव में डाल दिया आपकी पूरी फैमिली को पूरा यू नो वो कर दिया पूरा फैमिली को बेगर बना दिया एंड एंड टू द ग्रेव योर्स मतलब इसकी फैमिली को आप अच्छा करोगे इसकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग करोगे जिसने आपकी फैमिली को पूरा बेगर बना दिया देखो द वे इज मैनिपुलेटिंग क्या आप इतने अच्छे हो कि आप इतना बुरा होने के बाद भी इसे अच्छा करोगे पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है तो फर्स्ट मर्डर बोल रहे हैं वी आर मैन माइलीज

आप इंसान yes. एक आदमी हो जैसे हाउंड है ग्रे हाउंड है मॉन्ग्रल एक डॉग्स का अलग अलग ब्रीड बता रहे डॉग में जैसे हाउंड हो गए ग्रे हाउंड हो गए मॉन्ग्रल्स हो गए, गए स्पेनियल हो गए मट हो गए शागी लैप डॉग्स शायगी वर्ड हाफ वुल्स सब डॉग्स है वैसे ही All by the name of dogs. वैसे ही बहुत सारे भी होते हैं and under one name, which is, कि आप, आप, human being आप हो, ठीक ठीक है? है? है. पर कौन से किस के, जैसे हर एक ऊपर जो डॉग है ना ऊपर में उसका अलग अलग क्वालिटी है डिस्टिंग कोई बहुत फास्ट है कोई बहुत स्लो है कोई बहुत क्लेवर uh, है कोई बहुत वॉच डॉग है मतलब नजर रखता है मतलब बहुत अच्छा वॉच डॉग है कोई हंटर है

अगर जैसे डॉग में इतने सारे ब्रीड है और इतने सारे लोग इतने सारे ब्रीड में अलग अलग उनकी स्पेशलिटी तो इंसानों में भी अलग 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 होते हैं एंड अलग -अलग उसमें अलग अलग उनकी स्पेशलिटी होती है नाउ इफ यू हैव अ स्टेशन इन द फाइल नॉट इन द वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड सेट अगर आपको उस लिस्ट में आना है मैन के कोई भी पोजिशन पे तो एटलीस्ट आप बॉटम पे तो आना नहीं चाहोगे ना फॉर एग्जाम्पल इफ यू टू बी इन द लिस्ट ऑफ मैन मैं टॉप में रहूं. आप बॉटम में तो आओगे नहीं

अगर आप लिस्ट के बॉटम में नहीं आना चाहते तब तो मैं आपको एक प्लान बताऊंगा अगर वो प्लान आप एग्जीक्यूट करते हो तो दुश्मन से आप काफी दूर हो जाओगे और मेरे काफी नजदीक हो जाओगे ऐसे दो बेनिफिट होगा दुश्मन तो का दूर हुआ ही हुआ ही और मेरे नजदीक नजदीक आने मतलब क्या है कि किंग के आना और किंग के साथ आप रहोगे तो ऑफकोर्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट और भी तरह के सपोर्ट मिलेंगे एंड आपकी एक अच्छी लिविंग हो जाएगी किंग का बेनिफिट आपको मिलना यू नो इट्स अ ग्रेट थिंग तो ये दो लालच उनको देता है अब आर हेल्थ बट सिकली इन लाइफ

और फिर उनके ईगो को हर्ट के कि आप इतने अच्छे हो इतने, इतने आपका दिल बड़ा है कि आप ऐसे माफ कर दोगे लोगों को ऐसे कर दोगे आप ठीक है एंड देन ही इज सेइंग कि आप ये सब काम उनके बच्चों के लिए कर रहे हो जिसने आपके बच्चों को गरीब कर दिया आप उसकी फैमिली के लिए कर रहे हो जिसने आपकी फैमिली को ग्रेव में डाल दिया ठीक है so, सो मैं आपको एक सीक्रेट प्लान बनाऊंगा जिससे आप मेरे नजदीक और दुश्मनों से दूर जा सकते हो जब तो यू ना पूरा एकदम एकदम ही मेड इट ऑल अबाउट तो आपके लिए कर रहा मैं आई एम डूइंग इट फॉर यू नॉट फॉर माई सेल्फ ठीक है इतने में सेकेंड मर्डर बोलते हैं आई एम वन माई लीज माई लॉर्ड आई ए मैन ब्लोज एंड सो इन आई एम रेकलेस वर्ल्ड माई लॉर्ट आई एम समन जो इतना एंग्री है दुनिया के ब्लो एंड बफेट दुनिया ने मुझे इतना कुछ पेन दिया है ठीक है की मैं इतना इरिटेट हो चुका हूँ की मैं बहुत रेकलेस हूँ एंड आई कैन डू एनी टू स्पाइट द वर्ल्ड आई डोंट केयर वॉट आई डू तो बोला मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इतना एंग्री है दुनिया की बीटिंग से इतना निराश हो चुका हूँ मैं वॉट आई डू मुझे फर्क नहीं पड़ता है ट विद फॉर्च्यून मतलब इतना डिफिकल्ट टाइम हो गया विद फॉर्च्यून मतलब लग रहा है, कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्टेक करने को तैयार हूँ आई कैन रिस्ट एनीथिंग एक मौके के लिए

बेयर फेस माने के मुझे डर नहीं है मैं राजा हूँ मतलब मार सकता हूँ एज अ किंग आई कैन यूज माई पावर टू डिस्ट्रॉय डिम नो बडीट सी एनी अबाउट इट एंड आई कैन जस्टिफाई इट बाई स इट वॉज माई विश कोई मुझसे पूछनी नहीं क्योंकि मैं राजा हूँ आई कैन जस्ट गो देर बेर फेस एंड जाके उसको मैं एक बार में ब्लू में मार सकता हूँ एंड नो बी कैन क्वेश्चन मी बट मेरे कारण है डायरेक्टली नहीं मारने का येट आई मस्ट नॉट मैं नहीं मार सकता

उन ठीक so, है एज अंग मैं अपना रॉ पावर यूज कर सकता हूँ उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स है आई हैव टू बी एबल टू ग्रीव एंड क्राई ओवर इज देखन दो आई एम दन है मुझे लामेंट करना है his fall who I make myself struck down. क्योंकि जब वो मरेगा तो उससे मुझे नाटक करना पड़ेगा रोने का बिकॉज हमारे म्यूचुअल इवन दो मैंने ही मरवाया ने मुझे मैं लेकर मैंने खुद मारा है तो इसे क्या रीजन दिया मान, नहीं मारने का सामने से जाके क्योंकि हमारी म्यूचुअल फ्रेंड्स है अनहैपी बिकॉज ऑफ हिस मैं आपको हेल्प के लिए मांग रहा हूँ मास्क द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई फॉर सनड्री वेटी रीजन मतलब आप इसका रियल प्लान को हाइड कर रखे हो ठीक है आपको रियल प्लान को हाइड करना है पब्लिक से मास्क करके रखना है इस काम को फ्रॉम द रिय पब्लिक आई फॉर सन्टी रीजन सन्री वेटिंग का रीजन है फॉर वेरियस पॉलिटिकल मतलब फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट रीजन बहुत सारे इमार्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपको इसका रियल इंटेंशन को हाइड करना पड़ेगा ठीक है um, uh, like, yes, सर आप जो बोल रहे हैं थोड़ा स्केप्टिकल है पहला मर्डर दो आर लाइव मतलब नाउ श्योर ऑफ इज मैन ठीक है

फ्रॉम ऑलवेज थॉ दई रिक्वायर अरस मुझे कोई भी शक का कोई पॉइंट नहीं चाहिए मैं इसके मुझे से हो जाए आप लोग क्या ताकि ता कुछ भी यू you नो know, कोई एविडेंस ना रह जाए कोई रफनेस या फिर कोई इम्परफेक्शन ना हो जाए बिकॉज ऑफी काम में इसीलिए उसके बेटे फ्लियांस को भी मार दो ये रियल रीजन नहीं बता रहे फ्लियांस को मारने का स इज एक्ट बट बोल रहा है जिसका एबसेंस इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसके पापा का मरना इम्पोर्टेंट है ठीक है उसको भी उस डार्क आवर में मार दो यहाँ पे कोई रियल रीजन नहीं बता रहा है बच वो बता रहा है की मार दो

इसके साथ एक्ट थ्री सीन वन पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है अगेन मैं आपको बोल रही हूँ अगर आपने अभी तक अपनी स्टडीज को नहीं स्टार्ट किया है इंग्लिश को अपने रखा है तो आप इसके क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है हम एजुकेशन इंस्ट्यूट से एसोसिएट हूँ वहाँ का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आप वहाँ पे बात कर सकते हो हमारे दो फंक्शनल सेंटर से वन इज इन एंड अदर वन इज इन काकुर अगर आप, आप आ सकते हो तो आगे कर लो अगर ऑनलाइन करना है तो आपको इस तरह की ई बुक्स अलॉन्ग विद एमसीक्यूज थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज आते हैं पेज वाइज एमसीक्यूज आते हैं आपको पिंटो का मिलेगा ई बुक जिसमें जो आंसर है ना वो आंसर एज पर आईसी के हिसाब से मैंने बहुत लेवल जितना कोर्ट आपको एड करना होगा फ्रॉ द कंटेक्ट कोर्स एड किया हुआ वर्ड लिमिट को देख के बनाया गया एक अच्छा तगड़ा इंट्रो दिया हुआ ताकि आप यू you नो know, अपने आंसर को बहुत अच्छे से बेगिन कर पाओ एंड जो भी कोर्स आपको बीच में आंसर में डालने वो सबको पॉइंट्स में जेवर पिंटो का पूरा सल्यूशन है जो की आप एग्जाम में पूरा प्रिपेयर कर सकते हो जो आपको बहुत हैंडी रहेगा ठीक है एंड अलॉन्ग विध ग्रामर में आपका चाहे एसओपी हो चाहे डायरेक्टेड राइटिंग हो चाहे आपका विद फ्रेजल वर्ब्स हो ट्रांसफॉर्मेशन uh, के रूल्स हो टेंसिल हो सब कुछ इन डेप्थ कराया जाएगा विद नंबर ऑफ सो नॉट टू वरी अबाउट दैट एंड दैट्स इट सो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके मैं सीन टू भी अपलोड कर दू तब तक के लिए आप लोग स्टडी करो नोट्स बनाओ मुझे ई uh, मेल कर सकते हो आप या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मुझे फॉलो कर सकते हो कुछ भी डाउट होगा आप मुझे वहाँ बात कर सकते हो ठीक है थैंक यू सो मच गुड नाइट